आज हम तीन अंकों का वर्ग निकालना विकर्णविध से सीखेंगे, और यह तीन अंकों का वर्ग, दो अंकों का वर्ग, चार अंकों का वर्ग हम विकर्णविध से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमें 335 का निकालना है, तो हम तीन, इसमें तीन अंक हैं इसलिए तीन तीन खाने, तीन तीन का वर्ग बनाएंगे। देखें 335 और इसका विकर्ण बना देंगे। विकर्ण बनाइए, खींचिए विकर्ण, नीचे वाले में गुणा करेंगे, नीचे वाले में इकाई, ऊपर वाले में दहाई, 3 × 5 = 15, ऊपर वाले में दहाई, 3 × 9, ऊपर वाले में दहाई 0, 3 × 9, 9 और ऊपर वाले में 0, यहाँ ये 3 × 5 = 15, 5 दहाई ऊपर वाले में, 3 × 9 दहाई ऊपर वाले में, 3 × 9 दहाई इकाई नीचे दहाई ऊपर, 5 × 5 = 25 में 5 इकाई नीचे 2 दहाई ऊपर, 5 × 3 = 15, 5 नीचे और 1 ऊपर, 5 × 3 = 15, 5 नीचे। अब हम डायगोनल से ही जोड़ लेंगे। देखिए 5 × 5 = 7 × 5 = 12, 5 × 6 = 9 × 6 = 15, 15 × 16, 16 × 5 = 21, 9 × 1 = 10, 9 × 19 = 20, 9। आप देखें इकाई अंक वही रहे, दहाई अंक अगले में जुड़ जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ से 2 आया, इसमें जुड़ा 22, 22 × 2, अगले में जुड़ करके दहाई जुड़ा, ये हो गया 22, 22 × 2 और ये 9 × 2 = 11, 112,225 इसका आंसर होगा, 112,225। अब हम इसी आधार पर एक दूसरा निकालेंगे, 492 का। तो 492 में तीन अंक है, तो हम तीन 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 का वर्ग बनाएंगे, 9 वर्ग बनेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, थोड़ा वर्ग सही कर लें, 492 विकर्ण कर लें, 8। हम इकाई अंक नीचे लिखेंगे, दहाई अंक ऊपर, 4 × 8 = 8, 0, 4 × 9 = 36, 6 × 3 = 3, 4 × 4 = 16, 6 × 1 = 1, 9 × 2 = 18, 8 × 1 = 1, 9 × 9 = 81, 1 × 8 = 8, 9 × 4 = 36, 6 × 3 = 3, 2 × 2 = 4, 0 ऊपर हो जाएगा, 2 × 9 = 18, 8 × 1 = 1, 2 × 4 = 8, 0। हम विकर्ण वर्ग जोड़ेंगे भी, 4 × 8 = 8 = 16, 8 × 1 = 9 = 10, 1 × 11 = 11 = 8, 19, 8 × 6 = 8 = 14, 14 × 6 = 20, 6 × 3 = 9 × 3 = 12 और 1। ध्यान दें हम इकाई अंक वहीं रखेंगे, दहाई अंक अगले में जोड़ देंगे, 6 ये दहाई 1 इसमें गया तो हो गया 20, 20 × 0, 2 यहाँ गया तो हो गया 22, 22 × 2, 2 यहाँ गया ये हो गया 14, 14 × 4 आ गया, 1 यहाँ गया 1 × 2, 242,064। ठीक है, इस तरह से हम
आसानी से निकाल सकते हैं। और यह दो अंकों में भी सही उत्तर है और तीन अंकों के चार अंकों